आज हम देखने वाले हैं बीपीटी थ्योरम, जिसको हम कई और नाम से भी जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। इसको हम थेल्स थ्योरम कहते हैं बिकॉज जो मैथमेटिशियन है जिसने इसको डिस्कवर करा था या प्रूव करा था उसको थेल्स उसका नाम है। तो थ्योरम में हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं एक अलग वीडियो में, आज हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं। प्रूफ क्या है? सो बेसिकली इसके अंदर बोला गया है कि एक ट्राइंगल है और उसकी किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाई जाए। तो ये पैरेलल है इसके ए बी सी डी ई। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या हो गया, हम पहले गिवन लिख देंगे। गिवन हो गया हमारा एन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये हमारा गिवन हो गया। हमें प्रूव करना है टू प्रूव कि ये साइड ए डी अपॉन बी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। बेसिकली ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ए का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहली कंस्ट्रक्शन होगी, यहां से एक इसको ज्वाइन करा जाएगा इन दोनों को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ज्वाइनिंग। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है, सब कुछ लिखना पेपर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ज्वाइन या ज्वाइनिंग लिख सकते हैं, ज्वाइन बी सी एंड बी ई। साथ ही साथ हम यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ, ई सपोज पी और क्यू दे दिया एंड ई पी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी। तो ये हमने लिखा है कंस्ट्रक्शन, ये गिवन नहीं था, प्रूव नहीं करना, लेकिन इसका हमें मदद लेनी है। अब थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे ए बी ई। देखो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का जो तरीका है हम अलग वीडियो में देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी के लिए मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा, बस मैं इतना बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर दो हाइट है। एक तो ये हाइट है जो कि पी की तरफ जा रही है और दूसरी हाइट है जो कि जा रही है ए बी सी जो कि क्यू की तरफ जा रही है। तो कौन सी लेन, कौन सी लेन, तो क्या करना होगा, दोनों लेनी है। तो दूसरी बार हमें जो ट्राइंगल लेना है ये लेना है डी बी ई। ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा डी बी ई, तो मैं यहाँ बना देता हूँ। अगर आप डी बी ई का जरा ध्यान से देखें, थोड़ा ध्यान से नहीं बन पाया, ये थोड़ा सा टेढ़ी है डी बी ई। अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसको ओरिएंटेशन अगर हम इसकी चेंज करें तो आपको पता लगेगा कि ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। और ऑब्ट्यूज एंगल की जो 90 डिग्री होती है, जो परपेंडिकुलर होता है वो बाहर जाता है। तो यहां से देखो इस तरफ बाहर जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पी। तो हम ये पी वाले लेंगे, वेरस इस केस में हम दूसरा ना ट्राइंगल लेंगे। दूसरा ना ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल डी ई सी डी ई सी। तो ठीक है, तो इसके अंदर जो है परपेंडिकुलर ये देख रहे हैं, ये बाहर जा रहा है, तो ये क्यू हो गया, ये डी ई सी। और यहाँ पर क्या आएगा, डी ई बी। तो यहाँ पर इस केस में हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और देखते हैं। तो मैं पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देता हूँ, हाफ क्या लिख देते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो क्या होगा, हाफ बेस, बेस क्या होगा, जहां पे 90 डिग्री आ रहा है ए डी इंटू पी ई।
ठीक है। और इसका भी निकाल देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, डी बी ई, डी बी ई हाफ बेस, बेस कहां पर है, बी डी, बी डी हो गया, इनटू हाइट क्या है, पी ई, इज इट क्लियर। इसी तरीके से यहां पर भी निकाल देते हैं, एरिया क्या है, ए बी सी, नॉट ए बी सी, यहां पे है ए डी ई, सॉरी ए डी ई हो गई, ए डी ई। तो क्या होगा, ए डी ई का हाफ बेस, बेस क्या है, ए ई इंटू डी क्यू, इसका निकालते हैं, एरिया ऑफ डी ई सी क्या हो गया, हाफ बेस क्या हो गया, ई सी इंटू हाइट क्या है, डी क्यू। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कैसे एरिया निकाला है ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, तो उसके लिए वीडियो जरूर देख। तो चलते हैं, इसके बाद मेरे को चार चीजें मिल गई। अब मुझे ये अपॉन ये चाहिए, देखो एडी अपॉन डीबी, देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट, तो एडी अपॉन डीबी मुझे यहां मिल रहा है। तो अपॉन में लाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूँ, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो यहां पर लिख देता हूँ डिवाइडिंग वन इन टू, वन डिवाइडेड बाय टू। कैसे मुझे पता चला, देखो एडी ऊपर चाहिए तो वो ऊपर रख दिया, इसको नीचे, बस सिंपल। तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई, यहां पर बी डी बी ई, सो हाफ इंटू ए डी इंटू पी ई अपॉन हाफ इंटू ए डी, ये सॉरी बी डी, यहां पर आएगा बी डी इंटू पी ई। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर हाफ और हाफ कट गया, पीई पीई कट गया, तो क्या बचा सिर्फ एडी अपॉन बीडी। यहां पर भी हम सेम चीज करेंगे, थ्री डिवाइडेड बाय फोर, तो थ्री डिवाइडेड बाय फोर का आंसर क्या आ जाएगा, मैं सीधा लिख रहा हूं, एरिया एडीई अपॉन एरिया डीईसी। देखो हाफ हाफ कट गया, डी क्यू कट गया, क्या आ जाएगा, एई अपॉन ई सी। आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। अब यहां पर अगर ध्यान दें, मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है, आप इसको आप इक्वेशन नंबर फाइव मान सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सिक्स, तो मैं यहां लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर फाइव, इक्वेशन नंबर सिक्स। तो मुझे क्या करना है, अब किसी तरीके से बी ये और ये को इक्वल करना है। अब इक्वल कैसे करें, यहां पर देखें, अगर इसकी लेफ्ट साइड देखें, एरिया एडी एडी तो बराबर हो गया, मुझे किस तरीके से इन दोनों एरिया को इक्वल प्रूव करना है, इन दोनों एरिया को, कहां है ये, जरा इस फिगर में देखते हैं। एक एरिया डी बी ई, डी बी ई ये रहा एरिया शेडेड पोर्शन, दूसरा एरिया डी ई सी, डी ई सी ये। अगर आपको नाइन्थ क्लास की वो ट्राइंगल वाली थ्योरम अगर याद हो तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं हो तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, बट अगर पूरा समझना हो तो लिंक आपको मिल जाएगा कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में, आप वहां से जाके समझें। अगर दो ट्रायंगल सेम बेस में हो, सेम बेस देख रहे हैं, ये बेस सेम है दोनों का, दोनों वहां जाके जुड़े हुए हैं, और बिटवीन द सेम पैरेलल है, तो उन दोनों का एरिया इक्वल हो जाता है। तो हम ये लिख देते हैं ट्राइंगल डी, कौन सा है, डी बी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस। कौन सा सेम बेस है, कौन सा सेम बेस है, यस डी ई एंड आर इन बिटवीन सेम पैरेलल। ये थ्योरम है क्लास इलेवेंथ क्लास नाइन्थ की, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, कौन सी सेम पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर एरिया ऑफ डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी। ठीक है, ये तो हमारे थ्योरम से, इसका मतलब ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन इक्वल हो गया, देयरफॉर फाइव इज इक्वल टू सिक्स। सो यहां से ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, तो इसका मतलब उसके राइट हैंड साइड मतलब ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई
अपॉन ईजी, हैंस प्रूव्ड। तो अगर कोई भी इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछें। इसकी एक्सप्लेनेशन, इसका मीनिंग और एप्लीकेशन हम अलग वीडियो में कर चुके हैं, और आगे आने वाली और वीडियो में हम इसके और भी क्वेश्चंस करके लिखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज कर लें, और अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।